गुड मॉर्निंग फिरेंसो, 3 दिन गैंगटॉक में कैसे बिताए ये ब्लॉग में पहले शेयर कर चुका हूँ, यानी कि नॉर्थ एंड ईस्ट कवर हो चुका है। अब हम यहाँ से सीधा निकलेंगे साउथ सिक्किम की तरफ। तो ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ साउथ सिक्किम में 3 दिन कैसे बिताइए। चलिए ब्लॉग शुरू करते हैं जल्दी से जल्दी। दोस्तों ये वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ साउथ सिक्किम का हमारा पूरा 3 दिन का टूर। अगर आप डे बाय डे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी हमारा चैनल में अवेलेबल है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग गैंगटॉक से निकल रहे हैं राबंगला की तरफ। राबंगला गैंगटॉक से 70 किलोमीटर के अंदर है, 65 to 70 किलोमीटर। टैक्सी फेयर हमको पड़ा है 6,000 रुपये, बड़ी गाड़ी है। ये जो गैंगटॉक से राबंगला का जो रोड है, इतना सुंदर सुंदर नज़ारा यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, दिल आपका खुश हो जाएगा। तो काफ़ी सुंदर नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँचे राबंगला में। सो राबंगला का खासियत है बुद्धा पार्क, यहाँ पे एंट्री है 50 रुपये। एक बार यहाँ का नज़ारा देखिए दोस्तों। वैसे तो ऑफिशियली अगर देखा जाए तो ये जगह 1 से 2 घंटा है घूमने के लिए, 1 से 2 घंटा में आपको पूरा एरिया घूम लेंगे, लेकिन आपका पैर और आपका दिमाग और आपका दिल कभी भी आपका साथ नहीं देंगे। वो लोग बोलेंगे ही नहीं आप यहाँ से बाहर चले जाओ बोल के। इतना खूबसूरत जगह है ये, इतना सुकून है यहाँ पे। आप अगर सिक्किम टूर बना रहे हैं तो राबंगला बुद्धा पार्क उसमें ज़रूर रखिए, अगर नहीं रख रहे हैं तो बहुत ही खास चीज़ आप मिस करेंगे। दोस्तों वैसे तो देखा जाए तो आप राबंगला में स्टे भी कर सकते हैं, यहाँ पे खाना भी अच्छा है, आपको होटल भी यहाँ पे 1,000 रुपये से शुरू हो जाते हैं। आप ये जगह घूमने के बाद यहाँ पे सुकून के लिए भी आप यहाँ पे स्टे कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा आप यहाँ से नामची निकल जाइए, वहाँ पर आप स्टे कीजिए। इस जगह को छोड़ने के लिए हम अपने दिल और दिमाग को समझाते समझाते हमको टाइम हो चुका है 4:30 और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं नामची। हम नामची में स्टे करेंगे क्योंकि वहाँ पे खाना और होटल बहुत अच्छा है, प्लस वहाँ पे भी 2-4 जगह है जो घूमने के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप राबंगला में स्टे करेंगे तो राबंगला से नामची का टैक्सी फेयर होगा आपका 2,000 से लेकर 3,000 रुपये, लेकिन आप अगर गैंगटॉक से या दार्जिलिंग से कहीं से भी आ रहे हैं तो ऐसा फिक्स कीजिए नामची में स्टे करना है, नामची जाना है, लेकिन बीच में राबंगला साइट सीइंग करना है तो वो बेहतर रहेगा। सो राबंगला से भी नामची का जो रोड है वो भी काफ़ी सुंदर सुंदर नज़ारा आपको मिलने वाला है। तो बहुत ही दिलकश नज़ारों का मज़ा लेते हुए हम लोग पहुँचे नामची में। लोकल फूड नामची में बहुत बढ़िया है, ट्राई कर सकते हैं, और होटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 1,000 रुपये से। नामची में एक ही नाइट स्टे करेंगे तो बेहतर होगा, अगले दिन अर्ली मॉर्निंग फ्रेश होके आप नामची घूम सकते हैं। नामची में 4-5 प्लेसेस हैं, रोज गार्डन, मोनेस्ट्री वगैरह। हम लोग 2 ही प्लेस चूज किए हैं, सामदुपचे स्टैचू एंड 4 धाम। सामदुपचे स्टैचू बहुत ही बढ़िया जगह है, पहाड़ के ऊपर है, ये भी काफ़ी बड़ा स्टैचू है, यहाँ पे भी बहुत सुकून है, टाइम स्पेंड करने के लिए भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत जगह है, इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हम लोग निकल गए 4 धाम की तरफ। 4 धाम भी काफ़ी बढ़िया जगह है। कैमरा वगैरह थोड़ा यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, ड्रोन कैमरा थोड़ा स्ट्रिक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे शिव जी का 108 फीट हाइट का बड़ा स्टेचू है, 12 शिव जी का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, 4 धाम का टेम्पल्स है, काफी साफ सुथरा जगह है, बहुत नीट एंड क्लीन। यहाँ पे सबसे बड़ा शिव जी का ही स्टेचू है, फॉग में कैसे धुआं हो जा रहा है देखिए पूरा एरिया। बहुत बढ़िया जगह है दोस्तों 4 धाम, यहाँ पे आना ही चाहिए अपना सिक्किम ट्रिप में। नामची का 4 धाम जरूर रखिए, यहाँ अंदर कैफे भी है, कॉफी वगैरह पी सकते हैं, स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से निकलेंगे पेलिंग। नामची से पेलिंग 3,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है टैक्सी फेयर, लेकिन आप अगर नामची घूमना और पेलिंग ड्रॉपिंग बात कर सकते हैं कैब वाला से तो बहुत बढ़िया है।
आप अगर पेलिंग को नाइट में पहुंचे हैं नामची घूम फिर के, तो पेलिंग में एक नाइट स्टे करना होगा। पेलिंग में भी होटल आपको 1000 रुपये से स्टार्ट हो जाते हैं और पेलिंग में खाना भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रीट फूड वगैरह और लोकल फूड वगैरह। तो पेलिंग में आप एक नाइट स्टे करेंगे और अगले दिन सुबह घूमना फिरना चालू कर सकते हैं। पेलिंग में भी 4-5 ही प्लेसेस हैं, लेकिन पेलिंग में स्टे करने के लिए बहुत बढ़िया जगह है, बहुत ही कूल प्लेस है। यहाँ पर आप स्टे करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहाड़ में इतना ऊपर जगह में है ये, तो आपको बहुत सुकून मिलने वाला है। यहाँ से चारों तरफ का जो नज़ारा है, कंचनजंगा का व्यू दिखने वाला है आपको यहाँ पे। अगर पेलिंग आप नहीं भी घूम रहे हैं, ओनली रिसोर्ट में स्टे करके सुकून से रहना चाहते हैं, तो भी पेलिंग आपके लिए बहुत बढ़िया जगह है। पेलिंग में साइट सीइंग का टैक्सी भाड़ा स्टार्ट हो जाता है 4,500 रुपये से। सो पेलिंग में हम लोग पहले घूमने आए हैं चेनार्जी स्टैचू स्काई वॉक। यहाँ पे एंट्री टिकट है 100 रुपये पर पर्सन। पेलिंग में सबसे इम्पोर्टेंट जगह है स्काईवॉक एंड चेनार्जी स्टैचू। ये जगह में बहुत सुकून है, ये भी पहाड़ के एकदम चोटी में है, बहुत बढ़िया प्लेस है। यहाँ पे भी बादल ऐसे ढक देता है जैसे आपको लगेगा बादल के ऊपर हैं आप। स्काईवॉक में आप चलेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आसमान में चल रहे हैं आप। बहुत बढ़िया जगह है, इसे भी मिस मत कीजिए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे बिताए हैं स्काईवॉक में, काफ़ी ज़्यादा टाइम हम लोग बिताए, काफ़ी एडवेंचरस रहा ये जगह। चेनार्जी स्टैचू का तो कोई जवाब नहीं, कभी कभी आसमान में एकदम धुआं हो जाता है फॉग में, फिर साफ हो जाता है। ये नज़ारा एकदम देखने लायक है, दिलकश नज़ारा इसे बोलते हैं। पेलिंग आके यहाँ पे अगर हम लोग नहीं आते तो बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पे हम लोग मिस कर देते, दोबारा आने का जगह है ये। के बाद हम लोग यहाँ से पहुँचे पामयन से मोनेस्ट्री, ये भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी प्यारा जगह है। यहाँ से भी आपको कंचनजंगा का व्यू दिख जाता है। दोस्तों हम लोग तो पेलिंग में बहुत कम जगह घूम पाए, आप अगर अर्ली मॉर्निंग थोड़ा घूमना चालू करेंगे तो बहुत कुछ है यहाँ पे पेलिंग में। ऑरेंज गार्डन है, रिम्बी वाटरफॉल है, पामयन से मोनेस्ट्री, स्काईवॉक, बर्ड सेंचुरी एक है, बहुत बढ़िया बढ़िया जगह है। तो ये रहा दोस्तों साउथ सिक्किम का 3 डेज, काफ़ी बढ़िया से एंजॉय किया हम लोग 3 दिन साउथ सिक्किम में। दोस्तों साउथ सिक्किम में हमारा 3 दिन बजट के साथ खाना पीना घूमना और रहना सब आपके साथ शेयर कर दिया। अब यहाँ से आप नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़िए, दार्जिलिंग या गैंगटॉक जो भी हो, और मुझे इजाज़त दीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।